गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो हमारे लास्ट लेक्चर था उसमें हम देख रहे थे स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हम देख चुके थे, वो क्या था? वो था हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट होल जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज हम बात करेंगे पिच एंड गेज डिस्टेंस की। पिच एंड गेज डिस्टेंस की। पिच और गेज डिस्टेंस क्या होती है और हम कितनी लेते हैं बोल्टेड कनेक्शन में, हम उसकी बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें कि पिच और गेज डिस्टेंस क्या होती है। पिच डिस्टेंस होती है किसी भी रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर तक की डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो तो क्या होती है पिच, और रिवेट के सेंटर से रिवेट के सेंटर तक की परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं गेज डिस्टेंस। तो देखिए मिनिमम पिच एंड गेज डिस्टेंस जो लेते हैं हम, इसमें पहला ए मिनिमम पिच एंड गेज डिस्टेंस। मिनिमम पिच और गेज डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं किसी भी केस में नॉमिनल डाया के लिए, वो हम लेते हैं 2.5 डी। और जहां पर डी क्या होता है, डी हमारा होता है क्या, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। तो मिनिमम पिच और गेज डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो 2.5 टाइम्स डी लेते हैं, और डी हमारा है वो क्या होता है, डी हमारा होता है नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम पिच की, कि मैक्सिमम पिच और गेज डिस्टेंस हम कितनी देते हैं। तो दूसरी हम बात करते हैं मैक्सिमम पिच एंड गेज डिस्टेंस। मैक्सिमम पिच और गेज डिस्टेंस हम चार तरीके से लेते हैं। किस किस तरीके से लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं टेंशन मेंबर के लिए। पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले टेंशन मेंबर के लिए, उसके बाद हम लेते हैं किसके, कंप्रेशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए। अब देखिए टेंशन मेंबर के लिए जो हम पिच लेते हैं, टेंशन मेंबर के लिए जो हम पिच लेते हैं, पिच या गेज डिस्टेंस, वो नोट ग्रेटर देन होनी चाहिए। पिच या गेज नोट ग्रेटर देन 16 T और 200 mm। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 16 T या 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हम कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो यहां पर जो पिच डिस्टेंस है वो नोट ग्रेटर देन 12 T और 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसमें, कंप्रेशन में। तीसरी हम बात करते हैं फॉर रोज नियर द ए। थर्ड हम बात करते हैं फॉर रोज नियर द एज। अगर हम इसके लिए बात करें तो यहां पर जो पिच डिस्टेंस है वो नॉट ग्रेटर देन होनी चाहिए 4 T प्लस 100 mm और 200 mm से। या तो इससे 40 प्लस 200 mm, या 40 प्लस 100 mm, या 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हम फोर्थ बात करें मैक्सिमम गेज की, ये सब तो हम बात किसके लिए कर रहे थे, पिच के लिए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम गेज के लिए। तो मैक्सिमम गेज डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं कितनी, जी नोट
ग्रेटर देन 32 टी और 300 mm, जी नॉट ग्रेटर देन और 300 mm। तो इस तरीके से हम किसमें पिच और गेज डिस्टेंस की बात करते हैं, किसके लिए, बोल्टेड कनेक्शन के लिए। अब देखो हम वापस से समझने की कोशिश करते हैं इसमें। इसमें क्या कह रहा है आपको कि इफ वी यूज बोल्टेड कनेक्शन टू कनेक्ट टू प्लेट्स, द पिच एंड गेज डिस्टेंस शुड बी, मिनिमम पिच एंड गेज डिस्टेंस जो रखेंगे वो 2.5D रखेंगे नॉमिनल डाई ऑफ बोल्ट के लिए, डी के लिए। मिनिमम पिच और गेज इससे कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम पिच कितनी रख सकते हैं हम और मैक्सिमम गेज कितनी रख सकते हैं, तो मैक्सिमम पिच टेंशन कंप्रेशन और रोज नियर द एंड, अगर टेंशन की बात करें तो 16T और 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम है ये 16T और 200 mm। कंप्रेशन में 12T और 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर रोज नियर द एज के लिए 40+100 mm या 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो तीनों चीज थी किसके लिए, पिच डिस्टेंस के लिए। मैक्सिमम जो गेज डिस्टेंस है वो 32T और 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हमें कहता है क्या, पिच और गेज डिस्टेंस। और ये जो टी है, ये जो टी है ये किसको शो करता है, ये जो टी है ये शो करता है हमारे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट को शो करता है क्या, टी है जो हमारा ये। अब बात करते हैं स्टेगर्ड पिच की। स्टेगर्ड पिच क्या होता है, स्टेगर्ड का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जब सेम लाइन में नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड बोलते हैं। तो ठीक है आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेगर्ड पिच की। स्टेगर्ड पिच अभी जो कंडीशन बताई उनमें, व्हेन द गेज डज नॉट एक्सीड 75 mm, when the gauge does not exceed pitch 75 mm, the pitch is for tension compression and rose near the edge, may be increased by 50% when bolts are regularly staggered, तो देखो अभी अभी जो हमने इससे पहले बात की कि हम टेंशन में लेते हैं 16T और 200 mm, कंप्रेशन में लेते हैं 12T और 200 mm, और जो रोज नियर द एज है उनके लिए लेते हैं 40+100 mm या 200 mm, इन तीनों वैल्यूज को, टेंशन कंप्रेशन और रोज नियर द एज वैल्यूज को, जब गेज डज नॉट एक्सीड 75 mm हो तो ये सारी वैल्यूज को हम कितना इंक्रीज कर देते हैं,
50% हम क्या कर देते हैं, इनको इंक्रीज कर देते हैं, और ये वैल्यू जो हमें मिलती है वो नई हमारी पिच डिस्टेंस वगैरह होती है। ठीक है, तो ये तो थी स्टेगर्ड पिच की। और स्टेगर्ड पिच होता क्या है, व्हेन व्हेन बोल्ट्स आर नॉट इन सेम लाइन, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेगर्ड पिच। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम एज और एंड डिस्टेंस क्या रखनी है हमें। तो अब हम बात करते हैं एज और एंड डिस्टेंस की। एज एंड एंड डिस्टेंस ये हमें क्या रखनी है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस कितनी रखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस। मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस हम कितनी रखनी है, वो हमें रखनी है 1.7 डी नॉट। और डी नॉट क्या होता है, डी नॉट होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट होल फॉर शेयर्ड एंड हैंड फ्लेम कट एजेस के लिए। ये किसके लिए रखते हैं हम, ये रखते हैं फॉर शेयर्ड और हैंड फ्लेम कट एजेस के लिए। किसके लिए, फॉर शेयर्ड और हैंड फ्लेम कट और हैंड फ्लेम कट एजेस के लिए। ये तो हम किसके लिए रखते हैं, जब शेयर्ड और हैंड फ्लेम कट एज हो तो मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस जो हम रखते हैं वो 1.7 नोट रखते हैं। मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस। अब देखो दूसरा, मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस, अब हम एक और रखते हैं, वो हम रखते हैं कितनी, 1.5 डी नॉट। ये किसके लिए रखते हैं, ये रखते हैं फॉर मशीन कट एंड प्लेन एजेस के लिए। ये रखते हैं हम फॉर मशीन कट एंड फॉर मशीन कट एंड प्लेन एजेस एंड प्लेन एजेस के लिए। तो दो तरीके से है, जब हैंड फ्लेम कट एजेस हो या शेयर्ड एजेस हो तब तो हमें मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस रखनी है, वो कितनी रखनी है 1.7 नोट डी नोट। और अगर हमें मिनिमम एज एंड डिस्टेंस जब मशीन कट या प्लेन एजेस हो तब कितनी रखनी है 1.5 डी नोट। और डी नोट क्या है, डी नोट है हमारा, यहां लिख देता हूं मैं, वेयर डी नोट इज डायामीटर ऑफ बोल्ट होल। डी नोट क्या होता है हमारा, डायामीटर ऑफ बोल्ट होल। अब एक और फॉर्मूला है जो है मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस का, कि मैक्सिमम हमें कितनी रखनी है। तो देखो तीसरा है हमारा मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस। मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस हम कितनी रखते हैं, उसका फॉर्मूला है एक 12TE। अब ये टी और ई क्या है, टी है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, यहां पर टी है वो है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। और जो ये ई है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अंडर रूट 250/Fy, अंडर रूट 250/Fy। तो ये हमारा
मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस रखने का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, एज और एंड डिस्टेंस को। कुछ नहीं है, सिर्फ ये चार फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। देखो, एज और एंड डिस्टेंस में अगर आपको हैंड फ्लेम कट एजेस हो या शियर्ड एजेस हो तब तो 1.7 डिनोट रखनी है। अगर मशीन कट या प्लेन एज हो तो 1.5 डिनोट रखनी है। ये डिनोट क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। अगर मैक्सिमम की बात करें, ये तो थी मिनिमम, अगर मैक्सिमम की बात करें तो 12 TE। टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, और ई क्या है, 250/FY का रूट। तो यहां से आप लोग एज और एंड डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। अब ये तो थी नॉर्मल कंडीशंस की। अब अगर कहें कि मेंबर आर एक्सपोज टू कोरोजिव एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में हमें बोल्टेड कनेक्शन करना है जहां पर वो जो मेंबर है वो एक्सपोज हो रहा है किसको, एनवायरनमेंट को, और कोरोजिव एनवायरनमेंट है मतलब कोरोजन वहां पर इफेक्ट डाल सकती है आपके बोल्ट्स के ऊपर, तो वहां पर मैक्सिमम एज डिस्टेंस हम कितने से ज्यादा नहीं रखते हैं या कितनी रखते हैं हम उसकी बात करते हैं। चलिए, इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है व्हेन व्हेन द मेंबर आर एक्सपोज टू, व्हेन व्हेन द मेंबर आर एक्सपोज टू कोरोजिव एनवायरनमेंट। कोरोजिव एनवायरनमेंट, जब मेंबर एक्सपोज्ड हो किसके, कोरोजिव एनवायरनमेंट के, तब जो मैक्सिमम एज डिस्टेंस हम रखते हैं, मैक्सिमम एज डिस्टेंस जो हम रखते हैं वो कितनी रखते हैं, वो हम रखते हैं नॉट ग्रेटर देन 40 mm। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब, जब हम किसकी बात करते हैं, कोरोजिव एनवायरनमेंट की, जब हमारा जो वोल्टेड कनेक्शन है वो एक्सपोज्ड हो किसके, कोरोजिव एनवायरनमेंट के, तो जो मैक्सिमम एज डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए किससे, 40 mm से। और टी क्या है, टी हमारी यही है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ठीक है, तो ये था हमारा बोल्टेड कनेक्शंस की स्पेसिफिकेशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे टैकिंग बोल्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद हमें बस, इसके बाद डबल शियर, बेयरिंग स्ट्रेंथ, और उसके बाद हम वेल्डेड कनेक्शन की बात करेंगे। तो आई होप आपको यहां तक आज समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।